दोस्तों आज मैं आपको टाटा से होकर घाटशिला होते हुए बहरागुड़ा होते हुए जो हाईवे उड़ीसा को कनेक्ट करती है वहां पर एक नव निर्मित मंदिर का दर्शन कराने लेकर आया हूं। यह मंदिर गालूडी के आसपास एक गांव है जिसका नाम है उल्दा। वहां पर यह मंदिर का निर्माण हुआ है और यह जो मंदिर है ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। तो चलिए आज हम माँ वैष्णो देवी का यहाँ पर दर्शन करते हैं और करीब से इस मंदिर को देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही मनमोहक दिख रही है, बाहर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। और सामने ये नेशनल हाईवे है जो टाटा और उड़ीसा को कनेक्ट करती है गालूडी घाटशिला के रास्ते। तो दोस्तों अब हम मंदिर के तरफ आगे बढ़ते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ जो भी देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है हम सभी का एक एक करके दर्शन करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु ऑलरेडी यहाँ दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी धाम लिखा हुआ है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं। ये सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ियों से चढ़कर हम जैसे मंदिर के अंदर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु पहले से बहुत सारे श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आए हैं मौजूद हैं। और मंदिर का जो अंदर का दृश्य है, अंदर का जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही मनमोहक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है और बहुत सारे श्रद्धालु आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, ऊपर में घंटी लगी हुई है और शिवलिंग के बगल में और भी देवताओं की जो है प्रतिमाएं लगी हुई, जैसे भगवान गणेश जी की हैं, माँ पार्वती जी की हैं और शिव शंकर जी वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण जी, ये तीनों देवतागण की मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और ये सामने आप देख सकते हैं ये माँ वैष्णो देवी का मूर्ति है। आप भी इनके दर्शन कीजिए। और थोड़ा इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक मूर्ति लगी हुई है जिसे श्री यंत्रम के नाम से जाना जाता है। और यहीं बगल में आप लोग राधा गोविंद यानी कि कृष्ण और राधा जी की जो मूर्ति लगी है उसकी भी दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं टाटा होते हुए, जब भी आपको घाटशिला जाना हो, बहरागुड़ा जाना हो, तो यहाँ रुककर इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यह मंदिर आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।